हैं कि इस समय उन्हें कहां से तगड़े एक्शन मिल रहे हैं। सुशील गुड मॉर्निंग, स्टॉक्स की बात बाद में करेंगे, पहले बैंक निफ्टी पर एक व्यू हो जाए। अब 47,200 पर हम इस समय। तो देखिए ऐसा है, जब आग लग चुकी हो ना, माचिस की कीमत आग लगने के पहले है, आग लगने के बाद तो माचिस भी बची खुची जलेगी। तो इस आग में अपना तो दिमाग काम नहीं करता कि यहां चढ़ के कूद के कोई पैसे निकाल के बाजार से आ जाएगा। आप ये देखो बैंक निफ्टी की डेली चार्ट जो है, ये अब अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास है। तो हमें अगर बिजनेस करना है, एक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, एक तौर तरीके से चलना है। भगवान बनने की तो कोशिश कोई कर ही नहीं सकता, तो ऐसे में हम कैसे ले लें यहाँ पे चढ़ के। अब अगर ये ब्रेकआउट आ जाएगा तो RSI एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। तो भाई साहब ऐसा है, जब जोर से खेल हो ही रहा है तो जितना है उतने को संभालना पड़ेगा। आप यहाँ लेते ही जाओ तो निकलोगे कैसे। सो वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। जो जो चीजों में अंडर परफॉर्मेंस है और उनमें बाइंग सिग्नल आ रहे हैं, उसमें जा रहे हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह, चाहे बाजार में आग लगे चाहे बाजार में पानी बरसे, काम तो काम के तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ उछल कूद मचाने से मेरे को नहीं लगता है कुछ होने वाला है। जो अंडर परफॉर्मिंग आइटम्स है, अडानी अंडर परफॉर्मर था वहां ले लिया, ITC अंडर परफॉर्मर था, अब वो यहां से देखिए रिवर्स हो रहा है, तो वहीं जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी फटते ही जा रहा है तो ठीक है, जो है उसमें कमाएंगे, कोटक महिंद्रा लिया हुआ उसमें कमाएंगे, हम चढ़ चढ़ के लेते ही जाएंगे तो निकलेंगे कब, प्रॉब्लम हो रहा है जी। बिल्कुल, माचिस की कीमत आग लगने से पहले और छतरी की कीमत बारिश जब तक चल रही है तभी तक। खैर एनीवे, सुशील जी अब इस समय फिर आप फोकस कहाँ कर रहे हैं? मार्केट तो तेजी का है, तो करें तो तेजी ही है, तो फिर कहाँ पे तेजी करें? जहां पे मलाई थोड़ी बची हो उसमें जाए, मलाई खाली गई तो वो मतलब चोट ना लग जाए, तो जो बहुत ओवर हीटेड हो चुके हैं वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जितना बिक गया तो बिक गया, पछतावा करके फायदा नहीं। तो जो लैगार्ड्स हैं जिनमें रिस्क 2% का और अभी भी 10-12-15% की जगह हो, तो वैसा कल जैसे आपसे बात हो रही थी तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे, ITC है, रिलायंस में भी मुझे लगता है वापस मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। तो लार्ज कैप्स की तो वो पोजीशन है। अब देखिए अगर 21600 तक का भी दुस्साहस किया, 21200 तक का, और वहां से 300 पॉइंट बचे हैं, तो क्या पता जो थके हारे परेशान से बी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, अब ए ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त रोटेशन स्टार्ट हो जाए, BPCL HPCL जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड चलेगा वहां करेक्शन आ जाएगा, आपके बैंक्स में कहीं करेक्शन आ गया, लगाट चल रहे हैं, तो इंडेक्स रोटेट करे 500-600 पॉइंट की रेंज में, ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ, भविष्य नहीं पता है। तो ज्यादा आसान सौदा ये लगता है कि जो बी ग्रुप के स्टॉक्स में ठंडक थी तो वो चल सकते हैं, जैसे NDTV ने यहां से उछलना शुरू कर दिया। आपके स्क्रीन के सामने मेरे NDTV की चार्ट हो, अगला पड़ाव एक बार 270-280 लगता है तो यहाँ 20% की जगह है, या MTAR टेक में थोड़ा सा उछाल आना शुरू हो गया, नीचे घटा हुआ स्टॉक है, तो हम तो वही ट्रेडिशनल तरीके से ही काम कर पाएंगे अनुज जी। मतलब वो बिल्कुल जैसे स्थित प्रज्ञता जो भगवदगीता ने कहा है ना, हजारों करोड़ों में कोई एक बन पाता है, तो वो मेंटल स्टेट होगी तब आप आग में हाथ डाल के पैसे कमा पाओगे। साधारण मनुष्य के लिए साधारण तरीके से ही काम करना पड़ेगा, चाहे बाजार में असाधारण वातावरण बना हुआ है। ओके, तो सुशील जी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में कुछ पिक किया जाए क्या आज यहाँ पर बहुत शानदार तेजी? अब देखिए लाल, ये भी इतना फास्ट चलते हैं, ये जो अडानी का पिक था इस पॉइंट पे था, और कल का बाजार खुलने के पहले फ्राइडे को एक और ब्रेकआउट था, आज भी कोई ने दुस्साहस करके कल के हाई के ऊपर गया तो ठीक है। अब भाई साहब 2132 वाला अगर अडानी इंटरप्राइजेस 2855 हो गया तो मतलब अब देखो, या तो आपको जो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आपने स्टॉप लॉस 2770 का लगाया हुआ है, 2750 का लगाया हुआ है, तो आज किसी को नया लेना है तो 2750 का स्टॉप लॉस लगा के लेना है, वो 2 मिनट में कट सकता है। तो अच्छा है कि वातावरण बहुत ही खुशहाली का है, पर वो कहते हैं ना कि पीओ उतनी जितनी संभाल सको, तो पार्टी बिल्कुल फुल फॉर्म में अपने ग्रैंड स्टेजेस में है और सबको उतना ही ग्लास बड़ा भरना पड़ेगा जितना वो संभाल सके, तो अपने से तो इससे ज्यादा संभलेगा नहीं अनुज, जो है उसी में मजा करेंगे, एक चीज बिकेगी तो ही दूसरी चीज लेंगे, नया टोटल नेट एक्सपोजर बढ़ाना नहीं। ओके, यहाँ जूस पीने की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ और मत समझिएगा। जूस भी जरूरत से ज्यादा पी लोगे तो शुगर फट जाएगा ना ऊपर, शुगर वही, मैं वही कह रहा हूँ, मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जूस भी आप उतना ही पिए ना जितना आप सहन कर सकते हैं, वरना पानी भी उतना पीना चाहिए जितना सहन हो सके, पानी भी हद से ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ,
चलिए टॉपिक से थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं हम, कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास, कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया जो अभी भी, जो आप कल ना बता पाए हो, जो आपके रेडार पर एकदम से अभी आ गया हो। तो हमारे पुराने स्टॉक्स में जब बाइंग रिज्यूम हो रही है तो विल ऐड विल बी फील सेफ कि हम एनडीटीवी को रेकमेंड करने में हमें दिक्कत नहीं हो। सारे गामा अगर पुल बैक और आ जाता है थोड़ा सा 360-55 के आसपास तो लेंगे, तो पुल बैक्स में लेने का बजाय है तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। मुझे लगता है पूरी जनवरी भर रोटेट हो जाएंगे, बीच में लार्ज कैप्स की जगह स्मॉल कैप्स में मूवमेंट आ जाएगी, एक सेक्टर से हम दूसरे में चले जाएंगे। तो सीमेंट्स में भी जैसे मान लीजिए इंडिया सीमेंट पे हमारा डबल का व्यू था, तो एक बार 280 तक चला जाए फिर पुल बैक आएगा तो लेंगे। तो अनुज इस वक्त मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि लगातार नए एक्सपोजर्स को ऐड करवा पाऊँ। अक्सर हम मंगलवार को माचिस लेके आते हैं पर आज माचिस की भी कीमत नहीं बची है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर अब अगले मंगलवार को बात करेंगे आपसे, तब तक शायद आपके पास एक